हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियाज मल्टीपल क्रिएटिविटी। आज हम दुर्गा माँ के अस्त्र शस्त्र बनाना सीखेंगे और ये दुर्गा माँ को मैंने एयर ड्राई क्ले से बनाया है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें एक थिन कार्डबोर्ड लेना है, आप इसकी जगह पर जो शादी वाला कार्ड आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें उसमें पेंसिल या फिर स्केच पेन की सहायता से सारे अस्त्र शस्त्र को ड्रॉ कर लेना है, जैसे कि त्रिशूल, कटारी, तलवार, फारसा, तीर, धनुष, चक्र, गदा और शंख। और नीचे के कुछ हथियार मैंने महिषासुर के लिए बना लिए हैं। अब इन सभी को हम कट कर लेंगे। अब एक एक करके हम इनके ऊपर फेविकोल अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर हम एल्युमिनियम फॉयल को स्टिक कर लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके इसी में हम एल्युमिनियम फॉइल को मोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम सभी हथियार को बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने दुर्गा माँ के लिए सारे ज्वेलरी घर पे बनाया है और अभी तक आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम गदा भी बना लेंगे। तो गदा बनाने के लिए भी हम गदे वाले जो थिन कार्डबोर्ड थे उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और फिर इसी प्रकार से सारे अस्त्र शस्त्र तैयार हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए एक एक करके हम सारे वेपन को माता रानी में पहना लेते हैं। तो अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कि मैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हथियार को अटैच कर रही हूँ। अब हम सभी अस्त्र शस्त्र में खून के निशान बनाने के लिए यहाँ पे रेड कलर से कलर कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मूर्ति का फाइनल लुक, अस्त्र शस्त्र लगने के बाद कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये मूर्ति। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो दिवाली से रिलेटेड होने वाली है तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।